गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ खबर आउट में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी सोसाइटी का मामला लेके आए हैं जहां पर महिला नहा रही थी और रोशनदान में उसका पड़ोसी उसकी वीडियो बना रहा था। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या आप लोग भी नहाने से पहले अपने रोशनदान को देखते हैं बहुत ध्यान से? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जो पूरा मामला काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है, ये जो पूरा मामला है ग्रेटर नोएडा से आ रहा है, जहां पर एक महिला ने कंप्लेंट की है अपने पड़ोसी के खिलाफ, जिसका नाम हर्ष बताया जा रहा है। हर्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अभी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया है, क्योंकि उसने जो किया है वो काफी ज्यादा संगीन अपराध है। बताया जा रहा है कि ये जो महिला है वो सोसाइटी में अपने घर में बाथरूम में नहा रही थी और नहाते वक्त उसकी नजर जो है वो रोशनदान पे पड़ी, जहां पर रोशनदान में कुछ चीज हिल रही थी। जैसे ही उसने नजदीक जाके देखा तब पता चला कि कोई इंसान जो है उसकी नहाते वक्त वीडियो बना रहा है, जिसके बाद वो और भी चौकन्ना हो गई और नजदीक जाके जब उसने रोशनदान से झांक के देखा तब उसको पता चला कि उसका पड़ोसी जो कि हर्ष है वो वहां से भाग रहा है और नहाते वक्त उसकी वीडियो बना रहा था। इसके बारे में जानने के बाद पुलिस को उसने 100 नंबर पर कॉल किया और अपनी सोसाइटी में बुलाया, और बुलाने के बाद पुलिस ने हर्ष को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप भी नहाते हैं अपने घर में, अगर रोशनदान या विंडो है, तो उस चीज को जरूर देखें नहाने से पहले, क्योंकि अपराध कहीं कहीं पर भी हो सकता है और अपराधी भी कहीं पर भी हो सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।